अस्सलामु अलैकुम, आप न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम जफर। और मैं हूं नवीद बिलावल। सबसे पहले आपकी हेडलाइन। अमरीका ने 8 ईरानी अहदेदारों पर पाबंदियां लगा दी। अहदेदारों में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, ईरानी फौज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ शामिल। अमरीकी वजारत खजाना ने अरबों डॉलर कमाने वाली 17 ईरानी धाती कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं आरएसएस ने 1 अरब आबादी रखने वाली जौहरी ताकत पर कब्जा कर लिया है। आरएसएस की बुनियाद नस्ली बालादस्ती, मुसलमानों और अकलियतों से नफरत है। इस जिन के बोतल से बाहर निकलते ही हमेशा खून खराबा हुआ। नवाज शरीफ ने पैसे नहीं दिए। इसी 80 MNAs के वोट बेचकर NRO किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज अहसन की तनकीद। कहा, मियां नवाज शरीफ पर मैं पहले दिन से ही एतमाद नहीं करता। वजीर आजम कहते थे मर जाऊंगा, NRO नहीं दूंगा। NRO तो दे दिया। मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो के बयानिए पर खड़ी है। आर्मी एक्ट की हिमायत करके वजीर आजम ऑफिस को ताकत दी। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राणा सनाउल्ला ने कहा वजीर आजम हाउस किसी की जागीर नहीं, आज ये हैं तो कल कोई और होगा। नून लीग का इन हाउस तब्दीली लाकर मुतफ़क्का वजीर आजम लाने का मुतालबा। सिंध के सेक्रेटरी इंसानी हुकूक बदर जमील मेंद्रो कहां गए? दफ्तर से घर जाते हुए लापता, मोबाइल बंद, ड्राइवर भी गायब। अहले खाना ने गुमशुदगी की दरख्वास्त जमा करा दी। वजीर आला सिंध का भी नोटिस। एंटी करप्शन के मुताबिक जमील मेंद्रो को गिरफ्तार नहीं किया, उन पर जाली टेंडर का मुकदमा दर्ज हुआ मगर उन्होंने जमानत करा ली। बानी MQM की इश्तियालंगेज तकारीर में सहूलत कारी। अदालत ने 2 मुकदमात में फारूक सत्तार, आमिर खान, खाजा अजहर और वसीम अख्तर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमों का बानी मुतहदा की तकारीर से लातालुकी का इजहार। लाहौर शाही कले में तकरीब की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। असिस्टेंट कमिश्नर का दौरा। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के अफसरों के बयानात कलम बंद किए। पुलिस के मुकदमे में नामजद मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। वजीर आला पंजाब ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को 6 दिन हो गए। तरसीलात रुकने से अरबों रुपए का नुकसान। कराची पोर्ट, कासिम पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। बर्फबारी ने पहाड़ों के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। मालम जब्बा में स्केंग गाला से मजा दोबाला। सयाहती मकामात पर सयाहों की मौज मस्तियां। पाक फौज ने वादी लीपा की शाहराह 9 रोज बाद बहाल कर दी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोयटा में सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। कल कराची में हल्की बारिश मुतवक्किल। नामवर पहलवान इनाम भट्ट की दावत वलीमा। गुजरांवाला में होने वाली तकरीब में मुल्क भर से पहलवान, सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। फिश, मटन कड़ाही और देसी घी के हलवे से मेहमानों की तवाज़ो की गई। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना, नामवर शायर और मजा निगार इब्ने इंशा की 42वीं बरसी उनकी शायरी सुनने और पढ़ने वालों को मसहूर कर देती है। ये थी आपकी हेडलाइंस। आपकी मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद।